हाय एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और मेरे चैनल वेज व्यंजन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूजफुल कुकिंग टिप्स, जिससे आपके खाने का स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ में आपको तारीफें भी मिलेंगी। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं ये टिप्स हैं क्या। हरी चटनी बनाते समय अगर हम उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें तो चटनी का रंग दो तीन दिन बाद भी हरा ही रहेगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। अभी आप पूरी का आटा बनाते हैं, उसमें 2 चम्मच सूजी ऐड कर लीजिए। देखिए, आपकी जो पूरियां हैं बहुत ही करारी बनेंगी और बहुत मजेदार लगेंगी। सूजी का हलवा बनाते समय अगर हम उसमें 1-2 चम्मच बेसन मिला दें तो हलवे का स्वाद जो है वो और भी अच्छा लगता है और उसका रंग भी बहुत निखर के आता है। कभी सांभर या इमली की चटनी बनाते वक्त अगर आप इमली भिगोना भूल गए हैं तो तेज गर्म पानी में इमली को भिगो के रख दीजिए, 5 मिनट बाद वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। कोई भी पराठा अगर हम अचार के तेल में बनाते हैं तो वो और भी जायकेदार लगता है और इस तरह हमारा अचार का तेल भी वेस्ट नहीं होता। चावल बनाते समय अगर हम उसमें 1-2 चम्मच घी और थोड़े से लौंग इलायची ऐड कर दें तो चावल बहुत ही खुशबूदार और खिले खिले बनते हैं। आलू का पराठा बनाते वक्त अगर स्टफिंग में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें तो पराठे का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। दाल की कचौरी की पिट्ठी बनाने के लिए पहले दाल को भून कर और उसके बाद पीसने से हमारी कचौरी एक तो फटती नहीं है और दाल भी कढ़ाई में चिपकती नहीं है और कचौरियाँ बहुत ही स्वादिष्ट और करारी बनती हैं। दाल बनाने से पहले अगर 15-20 मिनट के लिए उसे पानी में भिगो दें तो दाल बहुत जल्दी पक जाती है और स्वादिष्ट भी बनती है। दाल को सर्व करने से ठीक पहले अगर उसमें लाल मिर्च और हींग का तड़का मारें तो दाल और भी जायकेदार और प्रेजेंटेबल लगती है। आटा तैयार करने के बाद अगर ऊपर से घी या तेल लगा दें तो घंटों बाद भी आटा ड्राई नहीं होता और रोटियां भी बहुत मुलायम बनती है। तो आपको अगर मेरी ये कुकिंग टिप्स अच्छी लगी हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उस बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।